हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है दोस्तों, कुछ कटिंग्स आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। तो आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी, मेरे यहाँ पे काफ़ी टाइम से लगातार बारिश हो रही है। तो क्या है कि ऐसे टाइम पे जो हम हैं कटिंग लगा सकते हैं तो बहुत ईजिली ये कटिंग ग्रो हो जाएंगी। तो लगातार बारिश में कौन कौन सी कटिंग हम लगा सकते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से प्लांट की कटिंग हम लगा सकते हैं जो परमानेंट प्लांट हैं। तो एक बार अगर आप अपने गार्डन में इस तरह से कटिंग से तैयार करते हो तो कभी आपके गार्डन से जाएंगे भी नहीं और बहुत ही इजीली ग्रो भी हो जाती है उनकी कटिंग। तो ऐसे प्लांट्स के मैं नेम बताऊंगी आपको, तो आप अपने गार्डन को हरा भरा और अपने गार्डन में और प्लांट ऐड कर सकते हो कटिंग से फ्री में ही। तो ये देखें दोस्तों, ये है ड्रेसिना। तो इसकी भी बहुत ही अच्छे से कटिंग चल जाती हैं, बहुत ईजिली चल जाती हैं। तो इसकी कटिंग भी हमने इस टाइम पे लगा लेनी है क्योंकि लगातार जो बारिशें होती हैं उनमें जो ये थोड़ी हार्डवुड इस टाइम के जो प्लांट होते हैं उनकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। तो इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है किस तरह से लगाते हैं, तो वो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो इसकी कटिंग हमने इस टाइम पर ज़रूर लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले ही इसकी कटिंग लगाई थी, ये देखें इस ग्रो बैग में, और ये हो गई है ग्रो, बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। और ये देखिए, नई नई शूट्स इसमें आ गए, नए पत्ते निकल गए हैं, और ये 10 से 12 दिन इसको हुए हैं लगाए हुए। और ये देखें इसमें कितनी हेल्दी सी रूट्स बनी हुई हैं। तो इस बारिश में आप ये प्लांट कटिंग ज़रूर लगाएं। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये गुड़हल, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल इनमें खिलते रहते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, तो इनकी कटिंग भी आप इस टाइम पे लगा सकते हो। बहुत ही जल्दी इनकी कटिंग भी लग जाती है, 10 से 12 दिन में इनकी कटिंग ग्रो होने लग जाती हैं। तो इनकी कटिंग भी आप इस टाइम पे लगा सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, गुड़हल की भी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। और ये मैंने जब बारिश स्टार्ट हुई थी, मानसून सीजन आया था, उस टाइम पे मैंने ये लगाई थी। तो ये देखिए कितना हेल्दी सा, और छोटे से पॉट में मैंने ये लगाई थी। तो इसमें कई सारी कटिंग मैंने लगाई। जब भी आप कोई कटिंग लगाएं तो एक साथ 3 से 4, 4 से 5 कटिंग आप लगाएं। ज़रूरी नहीं है सारी कटिंग ग्रो हो और ज़रूरी नहीं है सारी कटिंग ख़राब हो जाएँ। तो कुछ कटिंग लगती हैं, कुछ नहीं भी लगती हैं, कभी कभी ऐसा होता है पूरी कटिंग लग जाती हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रखी है, और मैंने इसको पिंच भी कर दिया था। तो ये देखिए 2-2 ब्रांच इसमें निकल आई हैं, ये देखें 3 से 4 ब्रांच है, और छोटा सा ही प्लांट है। ये देखिए कितना हेल्दी सा है। और भी मैंने कई सारे प्लांट मेरे कटिंग से रेडी किए हैं। अगला प्लांट है ये देखिए दोस्तों, ये है कनेर। कनेर की भी कटिंग जो लगातार बारिशें होती हैं उनमें बहुत ईजिली लगती है क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है थोड़ी हार्डवुड होती हैं। तो ऐसे ही प्लांट को लगातार बारिशें चाहिए होती हैं जब जाके ये ग्रो हो पाती हैं। तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो, और ये मैंने कटिंग से तैयार किया है। और ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं ये अभी, और देखिए इनको मैंने ऊपर से पिंच कर दिया। तो ये देखिए 3 सूट्स इसमें निकली हुई हैं, और इस तरह से हम इसको घना भी कर सकते हैं पिंच करके। तो मैंने इसको यहाँ से पिंच किया था सबसे पहले, तो ये देखें यहाँ से इसमें 2 सूट्स निकली, और उसके बाद इनमें मैं इस तरह से पिंच कर रही हूँ तो हेल्दी सा हो जाएगा, ये घना बन जाएगा। कुछ टाइम पे आप विंटर प्लांट्स की भी कटिंग लगा सकते हो। ये देखिए, ये है गुलदाउदी। तो गुलदाउदी कटिंग अगर आपने नहीं लगाई अभी तक तो आप लगा सकते हो, ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती हैं। ये देखिए कलनचू, ये भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। तो इनकी कटिंग आप इस टाइम पे लगा लें तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे ये भी, और आपको जल्दी ही ये फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो इन प्लांट्स की कटिंग आप ज़रूर लगाएं। ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी ये भी, और ये मैंने जो है स्टार्टिंग में ही लगाई थी मानसून सीजन में, तो ये अच्छे से ग्रो हो रखी है मेरी। तो अगला प्लांट है दोस्तों ये देखिए, ये है बोगनविला। और यहाँ पर देखें ये जो फ्लावर खिले हुए हैं, ये देखिए ये प्लांट है, ये मैंने, ये मेरा 1.5 से 2 साल का प्लांट हो गया, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग ये कर रहा है, आगे की तरफ मैंने निकाला हुआ है। तो ये देखिए, ये भी मैंने सारे कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो ये 2 कलर हैं, ऑरेंज कलर और पिंक कलर। तो इनकी कटिंग इस टाइम पे अगर आप लगाते हो लगातार बारिश में, क्योंकि हार्डवुड जो होती है लगातार बारिश में ही लग पाती हैं, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है तब जाके लगती हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने बोगनविला की कटिंग कुछ टाइम पहले ही लगाई थी, और मैंने वीडियो भी शेयर किया था मेरे चैनल पे। तो ये देखें, ये ग्रो भी हो गई हैं, और बहुत पतली पतली कटिंग है, ये पतली कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। ये देखें इनमें नई नई शूट्स निकलने लग गई हैं अब, और ये 4 कटिंग इसमें ग्रो हो गई हैं, बाकी 3-4 कटिंग नहीं हुई जो मैंने हटा दी हैं इसमें से। तो ये भी बहुत ही ईजिली लग जाती हैं लगातार बारिश में। तो यहाँ पर देखिए, ये है रोज़ प्लांट। तो रोज़ की भी यहाँ पर परमानेंट होता है ये भी हमारे गार्डन में, तो इसकी भी हमने कटिंग इस टाइप पर लगानी है। तो ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए, रोज़ की भी मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी, तो ये देखें इसमें भी कितने अच्छे से ग्रोथ हो रखी है, और ये भी बहुत ही जल्दी से, ये 3 से 4 दिन में ही मेरी ग्रो हो गई क्योंकि जो बारिशें हैं लगातार हो रही थी मेरे यहाँ पे। और ये देखिए इसमें नई सूट्स भी निकल आई है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये देखें। तो इससे पता चलता है कि हमारी कटिंग ग्रो हो गई है, नई नई सूट्स जब निकलने लग जाती हैं थोड़ी थोड़ी तो पता चलता है हमने। तो ये देखिए दोस्तों, ये है फाइकस। तो इसकी भी देखिए मैंने कटिंग लगाई, और ये कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। तो ये देखिए कितने सारी मैंने छोटी सी ये कटिंग लगाई, तो यहाँ पर देखें ये कटिंग मैंने और लगा रखी है फाइकस की, तो ये भी लग चुकी है। तो ऐसी ही कटिंग मैंने ये लगाई थी, तो ये भी मैंने मानसून के स्टार्टिंग में लगाई थी। तो ये देखिए अगस्त के महीने में, तो ये देखिए 1 से 1.5 महीने में, 1 महीना ही हुआ है, 1.5 महीना नहीं हुआ है इसको,
तो ये देखें कितने सारी ब्रांच इसमें नई नई निकल रही हैं और ये कितना हेल्दी सा है, बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो गया है। और इसकी रूट्स देखें कहाँ तक ये निकली हुई हैं सारी, और ये कितनी सारी रूट्स इसने बना दी हैं इतने से दिन में। तो इनको भी बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, बड़े पॉट में अच्छे से चलते हैं, इनको बड़े पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी इसको, तो ये भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं अगर आप इनकी कटिंग लगाते हो इस टाइम पर बारिश में। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने गुड़ैल की कटिंग लगाई हुई है, इनको 5 से 6 दिन हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल हेल्दी हैं ये, तो इससे पता चलता है कि ये लगना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत ही हेल्दी सी हैं। ये देखिए दोस्तों ये है सिंगोनियम, सिंगोनियम भी हमारे गार्डन में जो है परमानेंट प्लांट होता है और बहुत सारी वैरायटी इसमें आती हैं। तो ये एक शेडी प्लांट है, शेड में इसको रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। तो ये देखिए नहीं तो अगर आप धूप में रखोगे तो इस तरह से इसकी पत्तियाँ बर्न होने लग जाती हैं। तो इसको भी कटिंग से बहुत ईजिली तैयार कर सकते हैं हम, क्योंकि ये मैंने भी कटिंग से ही तैयार किया। ये देखिए कितना घनासा हो रखा है, पूरा पॉट इसने कवर कर लिया है। तो इसको मैंने एक ही प्लांट इसमें लगाया था और उसके बाद ये देखें आप कितने सारे प्लांट इसमें बन गए हैं। तो इनको हम डिवाइड करके भी या कटिंग से भी इजीली तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है कोलियस और ये आगे आने वाले टाइम में विंटर में जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है, इसकी भी कटिंग हम लगा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सॉफ्टवुड होती है इस टाइम, तो जो इसको हम कटिंग से बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, तो ऐसे प्लांट कटिंग से बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, इनकी 3 से 4 दिन में ही कटिंग चल जाती है। तो इनको भी अपने गार्डन ज़रूर ऐड करें और इस टाइम पे कटिंग से रेडी करें, तो एक से कई सारे प्लांट हम बना सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों।